गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज करने जा रहे हैं रिव्यू क्रेटा ई मॉडल का। भाई अपडेटेड ई मॉडल है BS6 स्टेज 2 वाली। इसकी पहचान आपको दिखाता हूं कहां से है। एक तो भाई इसमें जो 6 एयरबैग आ गए इसमें देख सकते हैं आप, और दूसरा सबसे बड़ा डीजल गाड़ी है बता दूं मैं, 1.5 CRDI। सबसे बड़ी पहचान भाई ये डिग्गी है भाई, ये यूरिया वाली। इसका टैंक बताता हूँ, टैंक भाई इसका नीचे है। बाकी जो इसमें चेंजेस हुए हैं सेफ्टी से लेकर हर चीज़ में बरतता हूँ। ओके, इसमें भाई अब आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलती हैं, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको इसमें, इंजन इमोबिलाइजर, इसमें स्टार्ट ऑफ स्टॉप फंक्शन भी दे दिया इस बार इन्होंने। बाकी TPM में तो पहले भी आता था, अब स्टैंडर्ड है चीज़ें फ्रॉम द बेस मॉडल। फिर बेस मॉडल की बात करें, सबसे बड़ी पहचान बेस मॉडल की इंडिकेटर साइड मिल जाता है आपको, और ये नॉर्मल है, फोल्डिंग में रहनी है, एडजस्टेबल भी नहीं है। बाकी इसमें सिंपल आपको प्रोजेक्टर हैलोजन है, डैम मिल जाता है, नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, थोड़ा एयर कर्टन मिल जाता है, नॉर्मल ग्रिल मिल जाती है, और ब्लैक कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। बाकी इंजन का बताता हूँ आपको, बाकी भाई ये इंजन में कुछ वैसे देखने में कुछ विजिबल चेंज नहीं है, पर हाँ BS6 स्टेज 2 कंप्लायंट है। अब एक ही जो नई चीज़ है ना, काफ़ी यूट्यूबर ने बताई नहीं है, ये भाई इंजन का वो है अपना बोनट का, पहले बोनट का शो नहीं करता है ना भाई, शो इसमें नहीं कर, इसमें साउंड करेगा कि भाई बोनट आपका ओपन है या क्लोज है, जैसे आप लॉक करते हो बोनट खुला रहता है तभी लॉक की साउंड नहीं करेगा, पहले ये फीचर नहीं आता इसमें। बाकी साइड में कुछ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, व्हील कवर मिल जाते हैं, इसमें टायर आपको अपोलो के मिल जाते हैं, 205 सेक्शन, 65R16। साइड में कोई स्किड प्लेट नहीं मिलती आपको, कोई रूफ रिल नहीं, कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है। इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वो मिल जाती है, सीट मिल जाती है, सीट बेल्ट भी इस बार हाइट एडजस्टेबल दे दिया उन्होंने। बाकी क्योंकि 6 एयरबैग है तो भाई ये एयरबैग की बैजिंग, 2 एयरबैग फ्रंट में आते हैं। बाकी ये खाली भाई बेस मॉडल है ना, कोई इसमें सनग्लास होल्डर इतना कुछ आता है, एक टाइप से खाली गाड़ी है पूरी पूरी। बाकी ठंडी ये कुछ इसकी की पोर्टेबल की आती है दोनों, आगे बढ़ता हूँ। बाकी 4 पावर विंडो मिल जाती है, 4 लॉक मिलता है, लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, एलईडी लिबरल, बाकी स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन भी दे दिया इस बार, और ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऐसे ऑफ होता है थंब प्रेस से। बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर और लाइट से कंट्रोल, यहाँ से आप MID को कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, स्पीड बता रखी है, ये है आइडल स्टार्ट स्टॉप का, कितने मिनट खड़ी रही कितनी, यूरिया लेवल है इस बार, यूरिया डालेगा आपको पता है BS6 गाड़ी में यूरिया, TPMS मिल जाता है, आपको 8 मीटर राइट साइड स्पीड मीटर, और इसमें टेम्परेचर भी है, फील्ड भी है। बाकी इसमें आपको ये मिल जाता है और मैनुअल IRVM ग्लोव बॉक्स, कोई इसमें कूल ग्लोव बॉक्स मिलता आपको, और ये आपको ब्लैक फिनिश में मिलेंगे, कोई सिल्वर फिनिश होगा। बाकी मैनुअल AC है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, थोड़ी सी स्टोरेज एंड ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, साइड की सीट्स हैं, ये सेमी लेदरेट है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं साइड से। बाकी इसमें कोई स्पीकर कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, बाकी स्टीयरिंग एडजस्ट आपको ऊपर नीचे मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी कम्फर्ट ठीक है, सीट काउंटर था इसको ठीक है, नीचे आपको डेड पेडल मिल जाता है, सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और 6 स्पीड ऑटो कन्वर्टर के साथ डीजल में, पेट्रोल में भी आपको मिल जाती है, पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड CVT और मैनुअल गियरबॉक्स, और एक 1.4 टर्बो जो कि डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि इसमें अब आएगा 1.5 का टर्बो न्यू इंजन जो कि वरना भी आ रहा है। बाकी इसका रिवर्स उठ के लगता है बैक साइड में, बाकी इसका डिस्प्ले आपको इसमें शो कर देगा सेंसर का। बाकी अरे हाँ, ये जो हैंडल्स है ये भी आपको ऑफिस बार मिल जाते हैं, फोल्डेबल वाले। बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, बाकी पीछे से आपको स्पेस दिखा देता हूँ मैं,
यहाँ से आपको बोनट वगैरह खुलेगा और यहाँ से फ्यूल का होगा। बाकी 1 लीटर की बोतल भाई आराम से आ जाएगी। अभी पीछे से भाई स्पेस वगैरह हर एक चीज़ सेम है, डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है। इस पर आपको 60-40 मिल जाते बट नॉन एडजस्टेबल हेडलेस, इस बार भी इन्होंने एडजस्टेबल नहीं दिए भाई। ये भी कर रखते क्या पड़ी गया था, एक आर्मरेस्ट डाल देते, चलो कोई नहीं। ऐसे भी साइड सीट मिल जाती है आपको बेस मॉडल से ही, साइड में बता रहा था, और बीच में आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है एक। आगे आपको खाली मिल जाएगा सन ग्लास होल्डर, वो आप लगवा सकते हैं एक्सेसरी में भी। आपके पीछे आपको रेयर एसी वेंट मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट इसमें आपको नहीं मिलता है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं आपको। बाकी स्पेस भाई ठीक है, काफ़ी है। अंडर यानी 4300 mm इसकी लेंथ है। बाकी पीछे से इन्होंने जो चेंजेस किए हैं भाई, ये ब्लैक पार्ट लगा दिया बस, ये पहले का आता था वैसे, कोई शॉक नहीं, एंटीना कोई रूफ नहीं है। पीछे से आपको कोई स्किड प्लेट नहीं मिलती है, ब्लैक कलर में स्किड ब्लैक कलर मिलता है बम्पर पूरा पूरा। पीछे रिफ्लेक्टर और रेयर रिवर्स लाइट, चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और इसका बूट पार्सल ट्रे भी आपको इसमें नहीं मिलेगी, ना बूट लम मिलेगा। बाकी ये है 60-40 का फंक्शन। बाकी नीचे आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा वो भाई 16 इंच का सेम जो कंपनी फिटेड जिसमें आता है, स्टील रिम में आता है। बाकी ये जो मुझे वायरिंग लग रही है भाई यूरिया की लग रही है, यूरिया की टंकी इसी के नीचे है। बाकी स्पेयर स्टपनी वगैरह मिल जाती है आपको। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा, 433 लीटर का मुझे बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी रेयर में डिस्प्ले आपको बता दिया, ये थोड़ा सा इसकी शेप भी चेंज कर दिया हमने। तो भाई यही था इसी मॉडल में, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, थोड़े से सेफ्टी रिलेटेड चेंज किए हैं, कॉस्मेटिक कुछ भाई बिल्कुल सेम है। तो भाई दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।